सिंघिया पहुंचा सद्भावना साइकिल यात्रा। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड स्थित विष्णुपुर डीहा पंचायत अंतर्गत ओआ एजुकेशन डीहा में संजय कुमार बबलू के नेतृत्व में भाई जी डॉक्टर एस एन सुब्बा राव स्मृति के यादगार में राष्ट्रीय एकता अखंडता और सद्भावना के लिए चंपारण से चलकर सद्भावना साइकिल यात्रा कर देश के विभिन्न राज्यों के लोगों ने पहुँचे हैं। उक्त साइकिल यात्रा में शामिल लोगों को विष्णुपुर डीहा के पूर्व मुखिया बजन कुमार सिंह मुरारी मिथिला परंपरा के अनुसार सम्मानित करने का काम किए हैं। उक्त कार्यक्रम को नेतृत्व कर रहे लोगों ने बताया कि भाई जी डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जी के यादगारे में लोगों को शांति और सद्भावना के संदेश पहुंचाकर आम लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है, ताकि उनके द्वारा दी गए दिशा पर चलने पर मानव स्वस्थ रह सकते हैं और शांति रहने से लंबी जिंदगी जी सकते हैं। मौके पर भाजपा अध्यक्ष ब्रजभूषण यादव, निशांत सिंह, पंकज कुमार यादव, मनोज सिंह, राजीव सिंह, अनिल सिंह, रामानंद सहनी एवं कई अन्य लोग उपस्थित थे। सर, आप बिहार में जो आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं? भाई जी संदेश यात्रा 2 अक्टूबर को गांधी आश्रम विद्यारवा में प्रारंभ हुई। इस यात्रा में 10 राज्यों के 30 युवक युवतियाँ साइकिल से चल रहे हैं, जो बिहार के 26 जिलों से भ्रमण करते हुए 25 तारीख को पटना पहुंचेंगे। यात्रा का उद्देश्य है शांति और सद्भावना को प्रोत्साहन देना। आदरणीय डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जी ने हम लोग भाई जी के नाम से जानते थे, उन्होंने सारा जीवन शांति और सद्भावना के लिए काम किया और चंबल घाटी में उन्होंने शांति सद्भावना के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। माधव सिंह मोहर सिंह के जो आत्मसमर्पण हुआ था उसमें भाई जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंपारण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था, चंपारण को जब मिनी चंबल बोला जाता था। महात्मा गांधी के समाधि मूर्ति के सामने हमने सर्वदम प्रार्थना करके इस यात्रा की शुरुआत की। इस गांधी जी के जो चार महत्व शुरू के रचनात्मक काम थे उसमें पहला था सर्वम संभव। तो यही हमारा संदेश, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं शाम में सब लोगों के साथ हम सर्वधम प्रार्थना करते हैं। ये गांधी जी के समय से चल रहा है, सुब्बा राव जी ने उसको और समृद्ध किया और उन्होंने कहा, गांधी ने सर्वधम संभव, सुब्बा राव जी ने कहा सर्वधम मंभाव, सारे धर्म मेरे। तो एक संदेश तो ये है। दूसरा, हम हिंसा मुक्त समाज के निर्माण के लिए युवा पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं और इसलिए युवाओं के साथ निकले हैं। तीसरा, हमारा लक्ष्य है कि हिंदुस्तान में नशा मुक्त युवा पीढ़ी हो। युवा पीढ़ी नशा मुक्त होगा तभी राष्ट्र निर्माण के काम में लगेगा। चौथा, जो बेरोजगार मुक्त है। आप समझ रहे हैं कि गांधी विचार के आधार पर हम इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और गांधी विचार में ये वो ताकत है कि बेरोजगारी की समस्या का कारगर समाधान निकाल सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि बेरोजगार मुक्त भारत का निर्माण। और पांचवा, एक आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और समृद्ध भारत के निर्माण में युवा शक्ति लगे, यह एक रचनात्मक अभियान है और इस अभियान में हम 2 अक्टूबर को विद्यारवा से चले हैं और शाम में हम विद्या पहुँचे थे और अगले दिन मोतिहारी आए, फिर वहाँ से हम लालगढ़ शिवहर में रहे, फिर सीतामढ़ी से हम लोग मुजफ्फरपुर आए और कल समस्तीपुर में थे और आज रात की पर आप यहाँ हैं। जगह जगह लोगों का बहुत उत्साहजनक सहयोग मिल रहा है और उससे हमारा उत्साह वर्धन हो रहा है। जो हम संवाद करना चाहते हैं तो लोगों के जो सत्कार हो रहे हैं, सहयोग मिल रहे हैं। आज भी 4-5 कार्यक्रम हुए हैं यात्रा के समस्तीपुर से यहाँ तक के बीच में। तो इस यात्रा से लोगों का जुड़ाव हो रहा है और इसमें सब समुदाय के लोग, पूर्व बिहार राज्य के मंत्री और विधायक राम सुंदर राय जी भी जुड़े मुजफ्फरपुर में, 2 SDM आए, कई मुखिया प्रमुख जुड़े और समाज से भी जुड़े, गांधीवादी जुड़े, युवा स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है। तो अलग अलग समुदाय के बीच हम जा रहे हैं और उनका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। तो एक संभावना मुझे लगती है कि एक सुंदर वातावरण बन रहा है कि एक रचनात्मक आंदोलन है युवाओं का और हम उस नवनिर्माण के काम में युवा शक्ति लगे, विध्वंस के काम के बजाय, हिंसा के बजाय। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा संदेश है। कितने लोगों के टीम आप हैं? हम 10 राज्यों के 30 युवक और युवतियाँ हैं, जिसमें 7 लड़कियाँ हैं
और बाकी लड़के हैं और कुछ सहयोगी हैं जो व्यवस्था के लिए हैं। सब मिला के 30 लोग हम। चलिए, धन्यवाद।